हम ये भी जानेंगे कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेसी से हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, और एक्यूरेसी और प्रिसाइजन में क्या डिफरेंस है। सारी जो बातें जो हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, वो सारे हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर आपके लिए, क्योंकि आप हैं बच्चे 11th क्लास के और ये आपके बेसिक काम आएगा। स्टार्ट करते हैं महानिका जी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टॉपिक है, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। आपने एक बहुत लोगों से वर्ड सुना भी होगा, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप किसी काम को कितना एक्यूरेटली कर रहे हो। जैसे कि हो सकता है कि आपके पास काम हो, आप किसी चीज़ का लेंथ मेजर कर रहे हो, उसका लेंथ अगर 10 मीटर है तो कितना एक्यूरेटली आप उसको मेजर कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि आपने मेजरमेंट किया और लेंथ अगर आप हमेशा ही 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर आपका आ रहा है, इसका मतलब दिस मीन्स क्या है, दिस मीन्स योर मेजरमेंट जो है, योर मेजरमेंट इज राइट। आया ना? लेकिन दुख की बात है ये है कि ऐसा होता नहीं है, योर मेजरमेंट इज राइट। दुख की बात क्या है, ऐसा हो नहीं पाता है। सवाल ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, थोड़ा बहुत एरर तो आते ही आते हैं। तो क्या एरर है? तो जो डिफरेंस आता है कि जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू में, डिफरेंस बिटवीन ये ट्रू वैल्यू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू नोन एज एरर। आ गया जेनियस आपको? चलिए, सबसे बड़ी चीज क्या लिखेंगे, तो आज हमने पहली बार सीखा कि एरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एरर क्या है? एरर डिफरेंस है किसके किसके बीच का, ट्रू वैल्यू। क्या बात है जेनियस, क्या बात। चलिए, अब फीलिंग आने लगी पढ़ाई वाली, करते हैं आगे। एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं, इसको हटा दो क्या महानिका जी? ओके, थैंक यू सो मच। तो एक टर्म है, क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिसाइजन। क्या बोलते हैं? प्रिसीजन, राइट। या तो ये जैसे बोल रहा है कि ऐसे बोलेंगे ना, बड़ा अच्छा वर्ड है। इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन, इट रेफर टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर। मतलब क्या है कि जैसे ये मेजर का मतलब ये हो गया कि सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मान लो, बताया था ना सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, याद है कि हाँ, सर्टेन वैल्यू प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, राइट। जैसे मैंने बोला 2.2.1, दोनों के दोनों टू टू क्या है, सर्टेन डिजिट है। या क्या बात है जी, 0.1 अनसर्टन, अनसर्टन। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो हैं जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितना क्लोज है, लिमिट के बीच का क्वांटिटी इज मेजर। क्या बोलते हैं इसको जीनियस? प्रिसाइज वैल्यू, व्हाट वी कॉल जीनियस, प्रिसाइज, या दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन, प्रिसीजन। आगे चले। तो हम जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, जो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे क्या है कि हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे ए बी सी। मान लो कि एक बंदे ने मेजरमेंट किया 0.52 ग्राम, एक ने मेजरमेंट किया 5.1 ग्राम, एक ने किया 0.50 ग्राम,
एक ने किया 5.1 ग्राम। इसमें से आपको बताना है कौन सी वैल्यू बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू है, विच वैल्यू इज प्रिसाइज वैल्यू, क्या बोलेंगे? नहीं, हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 52.0 ग्राम। एक और वैल्यू मैं आपको देता हूँ, 5.6 ग्राम, 0.15 ग्राम, 0.54 ग्राम, 0.515 ग्राम, अगला है 0.521 ग्राम, अगला 0.520 ग्राम, 0.520 ग्राम, 0.520 ग्राम। कौन सा बच्चा बड़ा ही समझदार है? ए बी सी? क्या ये नंबर ऑफ बी एस सी सी ई एस सी? बिल्कुल सही है। आगे चलिए, जैसे क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हम एक चीज डिस्कस करने वाले थे कि प्रिसाइज वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया, एरर डिस्कस कर लिया। आपको पता है यहाँ लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, तो क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर में। पहला एरर है इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट एरर, नाम से क्लियर है, एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट एरर। मतलब कि अगर एरर है मेजरमेंट में, सारी वैल्यू फिक्स वैल्यू से बढ़े उसको हम क्या बोलेंगे? क्या कॉन्स्टेंट है? मतलब कि हर मेजरमेंट में जो वैल्यू जो आ रहा है बिल्कुल फिक्स आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्स्टेंट एरर। बताइए कॉन्स्टेंट एरर क्या होता है? आगे चलें, अगला होता है हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टेंट एरर, आपको पता है एक एरर है उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या? सिस्टमेटिक एरर देखो यहाँ पे, कि एक ऐसा एरर जो कि अकर होगा इन वन डायरेक्शन, बोलोगे ना, द एरर विच अकर इन वन डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। अगर सब में अगर प्लस प्लस का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर कोई वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू अगर 52.1 था तो वैल्यू हमेशा 51 से ज्यादा ही होगा, वही तो इसको बोलेंगे किस टाइप का एरर है ये? पॉजिटिव है। अगर आप देखोगे ना कि पॉजिटिव है, सॉरी, हाँ, या क्या इस समय समय पॉजिटिव है, समय और है अगला सर है। आगे देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, हटा दो उसको,
व्हाट डू मीन बाय द इंस्ट्रूमेंटल एरर? क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर? नाम से क्लियर है, क्या क्लियर है बताओ? सही बात, द एरर अकर, सॉरी, ड्यू टू इनबिल्ट इफेक्ट, इनबिल्ट इफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट? आगे लिखेंगे, हटा दें इसको, अगला लिखेंगे वाला, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, क्या बोल रहे थे यहाँ पे? ये बोल रहा है एरर आर अकर ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, क्योंकि तो कोई भी एरर हो रहा है, ओके, क्यों हो रहा है? कोई एरर हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर। कोई लिमिटेशन हो रहा है मतलब यही है कि जो भी आप मतलब सेटअप कर रहे हो वो टेक्निक आपको नहीं पता है कैसे मेजरमेंट करते थे, उसमें जिसके अगर कोई एरर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे जीनियस? एक्सपेरिमेंटल एरर। चलिए, एक सही, क्या बात है। हाँ, तो अगर आप किसी एंगल से देखेंगे तो वो क्या है? इम्परफेक्शन है कि नहीं? इसका बेस्ट एग्जांपल हम ये भी बोल सकते हैं, जब किसी बंदे का हम फोटो क्लिक करते हैं तो आप अगर साइड से क्लिक करेंगे कुछ और फोटो आएगा, सामने से क्लिक करेंगे कुछ और आएगा, लेफ्ट राइट से करेंगे कुछ और आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने फोटो जो क्लिक किया कैसे किया है, उसके अकॉर्डिंग फोटो आएगा, राइट? आवाज आ रही है आपको? सही बोला मैंने। अगला लिखिए रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या बोलेंगे देखो यहाँ पे? एरर क्या बात है, क्या बात है? सो द रीजन विच वी डू नॉट हैव, द रीजन द एरर विच अकर इरेगुलरली, यस यस यस, इरेगुलरली एंड एट रैंडम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर। क्लाउड है एक होता है लिस्ट काउंट एरर, कल डिस्कस करेंगे, इसको हटा दूं। लिस्ट काउंट होता क्या है, हटा दूं इसको, लिस्ट काउंट एरर
लिस्ट काउंट एरर। पहले डिस्कस करें लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट होता है द मिनिम। हाँ, सही बात है। तो मतलब कि ये भी बोल सकते हैं कि हम मिनिमम कितना डिस्टेंस उसमें मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एक स्केल से हम मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बताओ। 1 mm। तो 1 mm क्या हो गया उसका। हाँ, तो अगर ऐसे एक स्क्रू गॉज होता है, स्क्रू गॉज क्या होता है, हाँ उसका होता है 0.1 mm, लिख लो याद कर लेना। तो लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट जो होता है द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन मेजर थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज लिस्ट काउंट। डाउट है लिस्ट काउंट डिसेबल। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन मेजर इट्स कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट एरर क्या है बताओ। अब इसको हटा दूं मैं, देखिए लिस्ट काउंट क्या बात है। अगला लिखिए लिस्ट काउंट देखिए, इसको बोलते हैं द एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट इज नोन एज लिस्ट काउंट एरर। डाउट है क्या बोला बताइए। एरर विच इज डन टू द लिमिटेशंस इम्पोज टू द लिस्ट काउंट। लिमिटेशन किसमें है, लिमिटेशंस है टू द लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। राइट, अगला लिखेंगे मेरी बहन, आगे चले भाई क्या। अब हम लिखेंगे कि क्या होता है ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स, ग्रॉस एरर एंड मिस्टेक्स लिख लो। डीजे एरर आर ड्यू टू इधर केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन और ड्यू टू द इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द ऑपरेटर्स। इट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स।
हो गया। हाँ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आवाज आ रहा है? हेलो, ठीक है, ओके, क्या बात है। आगे देखिए मेरी बहन, आगे बात करेंगे ये वाला। हटा दें, लिखो, अरे लिखिए, एलिमिनेशन, ऑफ एरर। जब भी हम अगर एलिमिनेशन करना पड़ेगा हमें, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि कितना उसमें एरर है। अगर आपने 10 बार कोई मेजरमेंट किया है, हम पता करेंगे कि कितनी बार उसमें एरर हुआ है। तो मान लो कि ए, हाँ मान लो कि A1, A2, A3, A4, A5 जो भी वैल्यू आपकी An बी द एन मेजर वैल्यू, एन मेजर वैल्यू है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बार है, ये मीन है, ए वन ए टू ए थ्री ए एन अपॉन एन, इसका अर्थमेटिक मीन ले लो, ये समीकरण है अपॉन वन अपॉन एन, तो बोलते हैं वही जो आप बोल रहे थे ना। आगे चले, अगला होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर तो हो गया, देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर? मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, एक सेकेंड रुक जाइए। जैसा मान लो कि आपने कोई तरीका निकाला, मान देखिए हमने ये बोला आपको, मान लो कि हमने क्या किया, एक तो हम लोगों ने निकाला कि कौन सा एरर होता है, तो हमने निकाल लिया मीन एरर। एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है, बराबर। अब आगे देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे जीनियस मेरी बहन, पहले फर्स्ट में क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, आराम आएगा। अब निकालो, ये बार माइनस है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। हाँ कि मतलब कि ये है ना कि जब ये हम अगर नॉर्मल और गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं किसी भी रेंडम एरर पे, जो कि प्रोबेबिलिटी होता है अकरेंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर दोनों सेम होता है, कि किसी भी रेंडम वैल्यू को जब हम अकर करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या होता है, सेम होता है। और इसमें करते क्या है कि ऐसे एरर जो कि मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसे रेंडम एरर को। कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज करने के लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार एक ही मेजरमेंट वैल्यू को मेजर करना पड़ेगा। तो अगर आपको रेंडम एरर को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, आप सेवरल बार एक्सपेरिमेंट कीजिए और उसका मेन मीन वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपकी वैल्यू मिल जाएगी।
हो गया, आया आप उसमें, आगे चले। हाँ आगे लिखो, एप्स एक लिखो मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। सुनो ध्यान से क्या करोगे, सुनो आप एक तरीका क्या है, डेल्टा ए निकालो, पर निकालो डेल्टा ई वन, फर्स्ट का जो निकाला उसको रखो, सेकंड को रखो, थर्ड को रखो, ऐसे कर करके आप फिफ्थ को रखो, और आप क्या कर दो, रन करो और समेशन निकाल दो, और क्या करोगे, आई विल बी इक्वल टू वन से लेके अंत तक डेल्टा ए आई, इसको बोलते हैं मीन और फाइंड एब्सोल्यूट एरर, राइट। आ गया आपको जेनियस, क्या आया बताइए, आ गया ना। हमने क्या, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आगे लिखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं, हटा दो इसको, आगे लिखिए, आगे हम डिस्कस कर, ये देखो क्या डिस्कस करने वाले, ये डिस्कस करेंगे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव कैसे निकालते हैं, देखो सुनो, डेल्टा ए डैश अपन ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। आपने निकाल लिए दोनों, एक निकालेंगे परसेंटेज, परसेंटेज एरर, हाउ डू कैलकुलेट, देखिए यहाँ पे ऐसा करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि ये भी मीन है, और इसको 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ये तरीका पता है ना कैसे निकालते हैं, हाँ ये क्या रिलेटिव एरर, ये है परसेंटेज रिलेटिव एरर, हम कर सकते हैं। आया आपको माइका जी, चलो लिख लीजिए प्लीज, फिर करते हैं मेरी बात, चार्जिंग करेंगे बात। ए डैश, यहाँ भी ए डैश ही है, मैं लिखना भूल गया ना, हमेशा मतलब मीन का ही तो लेंगे हम, राइट, मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, हो गया, आगे चला, आगे परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर हो गया, एरर हो गया, आगे चलते हैं, अब इसे समराइज करते हैं जल्दी से, तो क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं देखो यहाँ पे, तो लिख सकते हैं ट्रू वैल्यू कैसे निकालने का तरीका है, ट्रू वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है कि आप सेवरल बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन आए, हाँ अर्थमेटिक मीन आए, मैथमेटिक मीन इज विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू, निकालते कैसे हैं बता दिया मैंने आपको, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एन एन समेशन, देखो वन से लेके एन ए आई वन ऑफ वन एन, डाउट है आपको, आगे लिखिए दूसरा क्या लिखोगे, हाउ डू वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, बस फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ आपको, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ए बार माइनस ए आई, थर्ड लिखेंगे फाइनल एब्सोल्यूट एरर,
ऐसा करेंगे डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए एन अपॉन एन, इसी को बोलते हैं समेशन वन अपॉन एन, आई इक्वल टू वन से एन, क्या करेंगे डेल्टा ए आई आ रहा है, हटा दो। और लिखेंगे रिलेटिव एरर ऑफ फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर ऑफ फ्रैक्शनल एरर। देखिए ये करते हैं फाइनल एब्सोल्यूट एरर जो होगा अपॉन ट्रू वैल्यू जो होगा, आगे चले क्वेश्चन आपको सेंड करता हूं, मैं लिख भी दूंगा ताकि आप करना स्टार्ट करें। मिला क्या? या जीनियस प्लेस, मैं करूं हो गया, जल्दी कीजिए। हेलो युगम भाई, देखिए
हो गया। इवन आ गया आपके पास। जैसे कि कितना है आपके पास पता है? दिया हुआ है 2.48 m, 2.46 m, 2.49 m, 2.50 m, 2.48। पहले इम्पोर्टेंट क्या है, सबको ऐड कर दो। नंबर ऑफ डेटा कितना है हमारे पास? 5 है। अब इनको ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 12.415। क्या आएगा पता है? 2.482 मेरी दीदी। ठीक है माही का, क्या बात, कितना है बहन आपका? 489 राइट। गया और भी डिवाइड कर हो गया। अगला क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम? अगला लिखेंगे, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? निकालता हूं मैं, देखो। डेल्टा ए वन या आई वन जो भी बोलना है। हाँ सही बोला आपने, 2.48 माइनस कितना है? 2.48, जो कि कितना है माइका जी? क्या बात है, क्या बात है। अगला निकालना है आई टू कैसे बराबर होगा? 2.48 माइनस 2.46 विल बी इक्वल टू 0.02 मीटर। थर्ड देखिए, 2.48 माइनस 2.49 माइनस 0.01 मीटर। अगला है डेल्टा आई थ्री, इसके बराबर है 2.48 माइनस 2.50 विल बी इक्वल टू माइनस 0.02 मीटर। बाय द वे, वी जस्ट हैव टेक अ मॉड, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा तो हम गलत नहीं कर सकते, मतलब नेगेटिव में नहीं आएगी वैल्यू। इसको क्या करूँगा, 2.48 नहीं, मोड लेना होता है। हाँ 0.00.00। अब कैसे निकालूंगा, हटा दे मैं। अब क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर। क्या फॉर्मूला होता है क्लास? समेशन ऑफ जो डेल्टा आई वन निकाला था 1 से 5 अपॉन 5, जो कि वैल्यू आई थी हमारे पास 0.00, 0.02, 0.01, 0.02, 0.00 अपॉन क्या करना है 5, जो कि वैल्यू आएगी 0.05 अपॉन 5, जो कि आएगी 0.01 मीटर। आपको एक चीज बता दूं, ये तो एब्सोल्यूट एरर था, मीन एरर कितना था पता है? मीन एरर था हमारे पास 2.48 था ना माहिका जी? कंफर्म कर दीजिए। तो हम कैसे इसको अब कैसे लिखेंगे, रियल वैल्यू यहाँ लिखता हूँ देखो, रियल वैल्यू तो मीन वैल्यू प्लस एरर निकालते हैं ऐसे। ये आपका तरीका हो गया लिखने का, दिस इज द रियल वे। चेंज कर दो, आप कैसे लिखोगे एरर में? 0.01 अपॉन 2.48 इंटू 100, एक परसेंटेज एरर है 0.40%। आगे आपको समझ में? हाँ कीजिए।
आएगा जी, क्वेश्चन दे रहा हूँ, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा दो क्वेश्चन घर से बना के लाना है, राइट? अभी चलें? ठीक है, दोनों घर से कर लीजिएगा, थोड़ा लेट से आ जा पाए ना तो कराता ना, अगले टॉपिक पे चलें। ठीक, करा दूं, आप बताओ क्या टॉपिक पे चलें, क्वेश्चन करा दूं, आप बता दो, आप बता दो। चलो अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बीच में लास्ट में उसको कर लाते हैं। चलिए, आपको तरीका समझ आ गया ना कैसे निकालते हैं? क्या बात, देखिए, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, जीनियस पीपल मेरी बहन, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, स्क्रीन शेयर है ना? देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखिए महिका जी, अब एरर के साथ हम गेम खेलेंगे। पहला गेम क्या है, हम लिखेंगे कि टॉपिक ये है, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज। सपोज आप, एक एरर है डेल्टा ए है, एरर इन ए, डेल्टा बी जो है एरर इन बी, हम कैसे लिखेंगे ए को, मेजर्ड कैसे लिखेंगे? देखिए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी जो होगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, सम कैसे लिखोगे? देखो, ए प्लस बी, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा ए, बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दिस इज द रियल वैल्यू, जो जेड होगा, ये जो वैल्यू होगी, एक क्वांटिटी डेल्टा जेड बोलेंगे, जो कि वैल्यू होगी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, एरर इन वन प्लस एरर इन बी, इसका समेशन है। हो गया, अब ये आ गया ना, देखो जब दोनों का ऐड किया हमने तो क्या आया, देखो यहाँ पे ए प्लस बी जो कि जेड हो गया, ये जेड हो गया, और ये जो वैल्यू है ये कितना हो गया, डेल्टा जेड, राइट? आया, ये जो वैल्यू है जेड, ए प्लस बी है, डेल्टा जेड जो है ये डेल्टा ए प्लस
डेल्टा बी, राइट। मतलब ये है ना कि जैसे मान लो कि मैं और आप किसी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं हम दोनों भाई, अब क्या हुआ उस प्रोजेक्ट में मायका गलती कर रही है 0.5% और संजीत गलती कर रहा है 0.3%, तो टोटल गलती कितना हो जाएगा 1%। अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ना तभी भी क्या हो जाएगा, मिस्टेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मिस्टेक्स हमेशा एक्यूमुलेट होता है, तो मिस्टेक्स हमेशा हमें ऐड करना होता है। तो आप सब्ट्रैक्ट करें या मल्टी सॉरी सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, हमें एरर को ऐड करना पड़ेगा, राइट। देख लो जल्दी से, सॉरी ऐड करेंगे तो नहीं, मैं भी दिखाता हूँ, पहले आप इसको लिख लो फिर हम सब प्रश्न का भी करेंगे, वो भी आपका डाउट पूरा हो जाएगा। आगे क्या हो गया, हाँ आगे लिखिए, हाँ चले, आगे चले माइक का, एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, ऐसे करेंगे जेड विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। सबसे पहले क्या लिखोगे, ए प्लस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्या लिखोगे इसको, ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फिर से क्या हो गया, ए डेल्टा जेड हो गया। किस वाले केस में, द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सो वेयर वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, वी हैव टू एड द एरर, क्या माहिका जी क्या बोला, सुना क्या आपको, एरर हमेशा क्या होगा बहन, ऐड होगा, क्यों ऐड होगा पता चला, हाँ क्यों, क्या बात है क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्या बात है, आगे चले। आगे जो है सिंपल सा तरीका है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लिखेंगे कि क्या करना पड़ेगा, आगे हो रहा है एर, अब उसको कनेक्ट करके ना चला देना जियो से कनेक्ट करना, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, जेड विल बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, इसमें एरर कितना का है प्लस माइनस जेड का है, इसमें एरर कितना का है प्लस माइनस ए का है, और इसमें कितना है बी प्लस माइनस डेल्टा बी का है। आपको पता है, सुनना ध्यान से, जेड
जेड प्लस माने डेल्टा जेड, ए बी ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी। फिर क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे डेल्टा जेड से, जीओ कट जाएगा। अब देखिए सुनिए ध्यान से, इसको सॉल्व करोगे ना, ये हो जाएगा रिलेटिव एरर। सुनते रहना गौर से, इसमें जेड की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, डेल्टा जेड बाई जेड ए डेल्टा बी ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी ए बी। और ए जो वैल्यू है ना बहुत छोटा वैल्यू है, इसको हम कर सकते हैं नेगलेक्ट। तो क्या आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ए इसकी वैल्यू है। आ रहा आपको समझ में, आया? हाँ, तो जब जेड से डिवाइड करते हैं तो ए तो वैल्यू वन वन कट जाएगा, या इसको फ्रेश पेज पे अच्छे से करते हैं क्या? हाँ करते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, अभी समझ में आ जाएगा। जेड जो होगा वो मल्टीपल है ए और बी का। अब क्या हुआ कि इसको लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, और यहाँ करेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। कोई डाउट है? हो गया। अब देखिए, अब हम डिवाइड करने वाले हैं जेड से दोनों साइड। देखिए यहाँ पे वन प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड ए बी बाई ए बी ए डेल्टा बी ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये एरर से बदल, ये कट जाएगा। देख रहे हैं ए वाला कट गया ना, ये बहुत स्मॉल नंबर है ना, तो नेगलेक्ट हो जाएगा, है ना माही का? अब क्या आएगा बताइए, डेल्टा जेड बाई जेड ए से कट जाएगा माही का जी। बट वी गेट फाइनली वी गेट दिस वैल्यू ना माही का जीनियस। नाउ यू जस्ट गेट अ कंसेप्ट, और स्टिल यू हैव अ डाउट, that's really great. Apart from this, what can we do? We just have to calculate the percentage error. For what we have to do, we just have to multiply with percentage 100. ये आ गया परसेंटेज। डाउट है? अभी सर बता दें, हाँ लिख लीजिए। हो गया, आगे चले।
अगला लिखो। अब हम करने वाले हैं, ये होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखोगे, देखो यहाँ पे एरर इन इन द डिवीजन ऑफ डिवीजन और क्वोशियंट, एरर इन द डिवीजन और क्वोशियंट। देखिए, डेट विल बी इक्वल टू ए बाई बी, यहां लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। कॉमन ले लो ए को, जल्दी करो, बी कॉमन ले लो, यहां से क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, यहां लिख लो ए अपॉन बी वन प्लस माइनस, सुनते रहना, थोड़ा सा टफ है ये, लिटरली हर बच्चों को टफ होता है, आपको भी थोड़ा टफ लगेगा। देखो इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा करो कि आप तो बच्चे हो ना, ऐसे लिखो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी माइनस वन। डू यू हैव एनी डाउट टिल नाउ माहिका जी? इसको ऊपर ले गए और माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो डाउट है क्या? बात है, सुनो, अब यहाँ लिखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए बाई बी, मल्टीप्लाई करो वन प्लस माइनस, देखो ए वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, डेल्टा बी बाई बी वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, राइट? हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, दोनों तरफ डिवाइड कर दो डेल्टा जेड से, जेड 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 डेड जेड। अगर नेक्स्ट पेज पे करूं, हाँ दोबारा बताता हूँ, मैंने क्या किया ना, दोनों साइड जेड से डिवाइड कर दिया होल टर्म में, यहाँ जेड, ये वाला जेड, ये वाला जेड, ये वाला जेड, ये वाला जेड। अभी मैं न्यू पेज पे करूंगी इसके बाद से, हाँ फिर इसके बाद बताता हूँ मैं कि हमने क्या किया। पहले हमने लिखा था जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू ए बाई बी वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, फिर लिखा था वन माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। फिर हमने क्या किया कि हमें क्या करना था, हमें डिवाइड करना था जेड से, उस पूरे वाले टर्म को जेड से डिवाइड कर दो, इसको भी जेड से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो वन प्लस माइनस, ये माइनस प्लस वही बात है, डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ए वाली टर्म जो होगी, दिस टर्म विल बी गोइंग टू बी नेगलेक्टेड, नेगलेक्ट कर देंगे, ए टर्म कट जाएगा, क्या मिलेगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, करें भी अभी प्रॉपरली ना, डेल्टा बी बाई बी आया। अब ये कर लो, अब इसका परसेंटेज निकालो, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू हंड्रेड डेल्टा ए बाई ए इंटू हंड्रेड डेल्टा बी बाई बी इंटू हंड्रेड, डाउट है इस कॉपी कीजिए।
यू हैव डन लेट मी नो प्लीज। हाँ यस यस यस, जो मल्टीप्लीकेटिव पे था वही डिवीजन का भी है, राइट। इफ यू हैव डन प्लीज लेट मी नो इन यू पीपल। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ स्पेशल केस लिखेंगे। मान लो कि जेड विल बी इक्वल टू है ए टू द पावर एन, क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, कब तक जाएगा? एन टर्म तक जाएगा, एग्री और नॉट? देख लो, एग्री है तो हाँ बोलिए। जीनियस पीपल। अच्छा समझ में आया, इसको दोबारा करेंगे रिपीट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मेरी बहन, थोड़ा सा स्केल थोड़ा थोड़ा करते हैं। जेड अगर ए टू द पावर एन है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा ए को? एन टाइम्स। फिर सुनते रहना जीनियस पीपल, ए को क्या लिखोगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एग्री क्या लिखेंगे इसको? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। यहाँ पे अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनते रहना। देखो यहां से अगर ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ए वन प्लस डेल्टा ए बाई ए। हाँ माहिका जी, यहां से एक और ए कॉमन ले लोगे तो क्या लिखोगे? ए वन प्लस डेल्टा ए बाई ए, राइट, टिल एन टर्म। तो अब ऐसा करो, सबका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई करते जाओ। तो मान लो कि एन टर्म था, कितना बचेगा? ए टू द पावर एन, व्हाट वी कॉल टू दैट? वन प्लस माइनस ए डेल्टा ए अपॉन ए, कब तक करोगे? एन तक करोगे, राइट माहिका? यहाँ देखिए, तो यहाँ के लिए ए टू द पावर एन, देखो मेरी बहन क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा पता है? वन, एक बाइनोमियल का थ्योरम होता है माहिका, बिल्कुल आराम से। ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये जो टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है बहन, अगर वैल्यू बहुत छोटी होती है तो क्या लिखेगा भाई यहाँ पे? एन डेल्टा ए बाई ए, राइट। हाँ अभी तो याद कर लो, बच्चे की तरह याद कर लो, कोई बच्चे आप भी याद कर लो, आपको 12th में इसका रीजन बताऊंगा, राइट। चलिए अब यहाँ देख लो, अब क्या लिखोगे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू ए टू द पावर एन, वन प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ देखते रहना है, एन डेल्टा ए अपॉन ए। भाई क्या करेगा अगर सर, देखो अगर एक भी नहीं देखो समझ में नहीं आएगा, डेल्टा जेड क्या करोगे? जेड एक कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, डेल्टा जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल टू क्या लिखोगे? एन डेल्टा ए बाई ए। कोई डाउट है? और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। माहिका जीनियस, गॉट इट द कंसेप्ट? ये फाइनल आंसर है। हाँ बताओ। क्योंकि हमें इसलिए ना, क्योंकि रिलेटिव एरर हमें पता है ना, डेल्टा जेड बाई जेड होता है, हमें अल्टीमेटली डिवाइड करना ही पड़ेगा। आया नहीं आया ना? आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाया मैं? हाँ, क्योंकि रिलेटिव एरर निकालना होता है। कॉफी पियेंगे महंगा आप? कोई बात नहीं, स्टार्ट करें तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप। लेट्स टेक 2 मिनट्स ब्रेक। जल्दी करो।
स्टार्ट करें आगे, क्या बात है। चलिए जी, हमने क्या अब देखो सीखने के वाली बात क्या है कि अगर ऐसे है ये टू द पावर एन था तो हम क्या कर सकते थे, डेल्टा जेड बाय जेड एन डेल्टा ए बाई ए और परसेंटेज एरर एन डेल्टा ए बाई ए एन रिलेटिव परसेंटेज एरर, राइट। आई होप इट्स ऑल राइट ना। आगे चलिए, चलिए आगे चले। हाँ जेड दिया हुआ है ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू, सी टू द पावर माही का एन, आर टू द पावर संजीत। आ जाओ जी निकालते हैं रिलेटिव एरर। देखो पूर्ली निकालेंगे डेल्टा जेड बाय जेड, कोफिशिएंट पी नीचे आएगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस क्यू डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस एम डेल्टा सी बाय सी एम डेल्टा आर बाय आर। टाइम पास करें, मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा 100 से। हाँ मतलब कुछ भी होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ क्या बात है, क्या बात है। जीनियस पीपल है, जीनियस ब्रेन लाइक महाइगा, राइट। सही बोला मैंने, सही बोला मैंने, थैंक यू सो मच। आगे चलें। हाँ ये 12th में आपके सीनियर पढ़ते, उनका नाम है युगम वशिष्ठ, उनका ब्रेन बड़ा अच्छा ब्रेन है उनका। युगम आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ओलंपियाड भी उन्होंने टॉप किया हुआ है, दिल्ली से है ये। वैसा ब्रेन भगवान सबको दे, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, मिल जाएंगे, राइट। आगे देखें, ऐसे ब्रेन आपका भी सही है। अच्छा आपको पता है कि अगर ऐसे निकालते हैं, क्योंकि आप जो है ना थोड़ी सी फ्रैंक हो, और आप क्या करते हैं जो भी डाउट्स वगैरह होता है तुरंत आप डाउट्स क्लास में निकलवा लेते हो, तो ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप घर पे भले 10 घंटे ना पढ़े, लेकिन जब आप क्लास में आते हो तो अपना 200% आप लेकर आते हो, पूरा पूरा खुद से सॉल्व करते हो। ये मेरे को बड़ा अच्छा चीज लगा आपका। और आप जो है थोड़े से ईमानदार हो, तो ये आपने सोने पे सुहागी वाली बात है, राइट। मस्ट वेलकम, दैट्स व्हाई यू आर वेरी वेरी फेवरेट। एक और भी लड़की है, अदिति नाम है, एक और लड़की आदिति, आदिति थोड़ी सी बोल सकते हैं ठीक ही है, नॉट गुड नॉट बैड, न्यूट्रल। यहाँ देखिए इसको ऐड कर दो, जो दिमाग लगाएगा आज की उम्र में ना माही का, वही आगे है। ज्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, नहीं पढ़ने से तो कुछ होगा भी नहीं, लेकिन जो पढ़ो मन लगा के पढ़ो, आपका मूड सही है तो पढ़ो। बाकी सब बच्चे यही करते हैं, वो कम टाइम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पता है। मैं खुद सारे बच्चों को जानता हूँ। ए वाले कहाँ पे, ए वाला, अरे ऐसे गलती से बन गया, मैं ऐड कर रहा था ना ये वाला, ये वाला। अच्छा हाँ इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा ऐड करते हैं। एक और भी लड़की है, उसका नाम है सानिया, शी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, हम्बल, मेहनत को इससे करना सीखे, खूब पढ़ती है लड़की, 12th
20 आवर 18 आवर, लेकिन मेमोरी का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, भूल जाती हूँ, रिटेंशन पावर कम है। आगे चलें। आगे चलें माय का क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन नहीं दे तो शॉर्ट सर्किट थ्योरी था 78। देखिए अंडरस्टैंडिंग सम क्वेश्चंस राइट सर, 91 मैं करूंगा, ये इंडिया का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको दुबई में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। करें डन। देखिए एक चीज आपको बता दूं मैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्या था कि रेजिस्टेंस जब हम पैरेलल में निकालते, कैसे निकालते पता है, आर इक्वलेंट 1/R1 1/R2, कैसे निकालोगे इसमें डेल्टा आर, ये आपको याद कर लेते, इसे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माने पहले। ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है राइट, पता है ना आपने, और ये उसका एरर का पार्ट होता है। यस ये डायग्राम पता है आपको, ये चलो इसी को, इसमें एरर का फॉर्मूला ही होता है, परसेंटेज एरर देखो। अच्छा, अब करते हैं 91 कर लो। हाँ एक सेकंड और देख लो, गुड़िया क्या नाम, गुड़िया बोल रहा हूँ माही क्या, कि अगर ऐसे लिखता हूँ 20 ± 0.1, इसमें बताऊँ क्या हो जाएगा, डेल्टा आई डेल्टा आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो बोले 4 ± 0.2, ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर, ए आर की वैल्यू। डाउट है जल्दी लिखो। हो गया ठीक है, ये डू क्वेश्चन में 91
मायका जी कर रहे हैं, मैं करूं? या पैरेलल मैं करता हूँ, देखो बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हम पैरेलल को निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, जो होता है 1/R1 + 1/R2। हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू है 4 ± 0.5 ओम, R2 की वैल्यू है 16 ± 5 ओम, आर की वैल्यू है 1/4, 1/16, आर इक्वल 16 × 4 = 5/16, 1/R इक्वल जो है 5/16 है, आर इक्वल जो है 16/5 है। डाउट है? लेकिन अभी डेल्टा एरर नहीं निकला है, है ना? अब निकालने वाले, स्टार्ट करें तो सॉल्व कर लो। हाँ, अभी डेल्टा आर निकालने वाले हैं, अभी तो केवल आर इक्विवेलेंट निकाला है पैरेलल में, राइट? अब देखो सबसे पहला काम मैं फॉर्मूला लिखूंगा, हटा दो इसको। R1 1/R1 1/R2 डेल्टा R1 आर इक्वलेंट, डेल्टा R1 आर इक्वलेंट, डेल्टा R2 आर इक्वलेंट। जो वैल्यू आया ना, यही आया था 3.2, राइट? हम डेल्टा मेरिट से कर रहा हूँ, हमें ये निकालना है। डेल्टा R1 आर इक्वलेंट का स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट, आपको पता है ये R1 का स्क्वायर है, ये आर इक्वलेंट का स्क्वायर, डेल्टा आर टू स्क्वायर आर इक्वलेंट का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। देखो डेल्टा आर डैश इसकी वैल्यू है 3.2, R1 की वैल्यू थी कितनी दे रखी थी, एक दे रखा 4 ± 0.5, एक दे रखा था 16 ± 0.5। इसका देखो R1 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर,
इसमें एरर कितना है, फर्स्ट वाले में 0.5, सेकंड का भी ऐसा ही करते हैं, आर इक्वल कितना 3.2, 16 का होल स्क्वायर इंटू 0.5, सॉल्व करोगे तब वैल्यू मिलेगी। दिनेश दिनेश पीपल माहिका जी, दिनेश चार्ज की होती है, ईएफयू होता है, हाँ चार्ज का एक्सेलरेटर होता है, सीसी सेलेक्ट नहीं होता है, लेकिन ईएसयू चार्ज का यूनिट होता है अदर क्वांटिटी में। देखिए स्टार्ट करता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 90 करो, 90 मत करो, आप ये कर लो 88 करो, इधर का ना ए क्यू बी स्क्वायर, सॉरी ये दिया हुआ ए स्क्वायर बी क्यू सी रूट जेड डी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, पावर यहाँ देखो, यहाँ पे पावर से टू नीचे, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी, 1/2 डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 100, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। और आज इन्हें इसको समझ में, ये राइट, हाँ क्या बात है। और आपको डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 के वैल्यू 4 लेंगे, टोटल की वैल्यू इतना, इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू, हाँ तो क्या बात, राइट। 86 करो, अभी भी जेईई मेंस में आया हुआ है, ये 10 साल से आ रहा है और दुनिया का ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें आया नहीं हो, तो आप में भी आएगा। टाइम लेके टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π रूट ओवर एल ओवर जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट ऑसिलेटिंग हैविंग अ मास m, लेंथ ऑफ द थ्रेड शुड बी गोइंग टू बी जी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज व्हाट वी कॉल्ड कांस्टेंट, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम, सो बट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट, वी जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट द डेल्टा जी, द एरर इन द ग्रेविटी, सो वट दे हैव गिवन टू अस, दे हैव गिवन लेंथ ऑफ दिस होल थ्रेड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम विल बी इक्वल टू 20.0 सेंटीमीटर। मैं आपको सुन रहा हूँ, एक सेकंड के लिए पॉज ले लीजिए प्लीज। डेल्टा एल की वैल्यू दे रखा है 1 mm, और आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, टाइम फ्री पीरियड फॉर द 100 ऑसिलेशंस इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम पीरियड लगा इसको 190 सेकेंड लगा, और ये चीज दे रखा है इन्होंने कि जो रिजोल्यूशन है रिस्ट वॉच की वो 1 सेकेंड है। अब अपना सवाल आप पूछिए। हाँ 86 के लिए ये वाला इंफॉर्मेशन है। दूसरा सवाल पूछिए। अच्छा ठीक है, तो अब देखो निकाले, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या करेंगे जीनियस, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, सीख लो एक बार माही का। अब डेल्टा जी इधर लाओ,
सॉरी पाई स्क्वायर होगा एल अपॉन टी स्क्वायर। अब इसमें एरर निकालो, देखो मेरे साथ आ जाओ, देखो यहाँ पे डेल्टा जी, आज का सवाल है, लास्ट सवाल भी हो सकता है क्लास का, अगर आप अच्छे से आपने पढ़ लिया इस क्वेश्चन को कर लिया तो, बाकी सब आपके हाथ में है, क्लास 2 घंटे भी हो सकती है, पूरी रात भी हो सकती है, माही का ऐसे मेरी क्लास भी है 7:30 में, बढ़ा नहीं सकता सॉरी, वो जूस में मैंने बोल दिया। क्या भाई क्या खुश तो हो गया आप, इच्छा के भी क्लास के टाइमिंग नहीं बढ़ा सकता है कि नहीं, आपको पता है बंदा पंचुअल है। कर रहे हैं आप कि मैं करूं, वैल्यू पुट करना है इसमें, पता है आपको, आप करो सबको एक मिल हो भाई। हाँ मीटर मिल गया, लो करो तो लास्ट क्वेश्चन है। हो गया माइका, माइका जीनियस डन। तो मैं कर लेता हूँ, कर रहा हूँ मैं, मैंने भी कर दिया। आप दुबई में स्कूल खुल गया ना, आप तो बोले थे वैकेशन खत्म हो गई मंडे से, अगस्त 24, अभी तो बहुत वेकेशन है ना, तो आप अच्छा, तो पिछली क्लास में आप क्या बोल रहे थे कि मंडे से क्या नहीं हो पाएगा। अच्छा बोल रहे थे, सॉरी अच्छा अच्छा बात नहीं, अब हम अगली क्लास रखेंगे डे आफ्टर टुमारो है ना, ठीक है सेम टाइमिंग रखेंगे, ठीक है हाँ, इंडिया 5 o'clock और आपके यहाँ 3:50, 3:30 सॉरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना करें बहन, और करवा दो।